गाइस, दिस इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग आर्स एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रैंडन मैकुलम के बारे में कि ब्रैंडन मैकुलम आईपीएल 2019 में ऑक्शन में तो है, लेकिन ऑक्शन के बाद कौन सी टीम इन्हें पिक करने वाली है और कौन सी टीम इन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी, क्योंकि ये एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है और विस्फोटक बैट्समैन है, अग्रेसिव बैट्समैन है, साथ साथ इन्हें कप्तानी का भी अनुभव है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जिन टीम के पास अच्छे कप्तान नहीं है, जैसे दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कप्तान अच्छी कप्तानी कर रहे हैं जो है दिनेश कार्तिक, किंग्स इलेवन पंजाब यहां पर भी कप्तान नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्रैंडन मैकुलम पर ये टीम पैसा लगाती है या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको मात्र 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देना होगा और जिनके आंसर देने से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप अभी नोस्ट्रा प्रो को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो अगर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं तो अगर हम देखते हैं ब्रैंडन मैकुलम की हिस्ट्री को, ब्रैंडन मैकुलम के रिकॉर्ड को, क्या इनका इतिहास रहा है, कैसे इनकी हिस्ट्री रही है, तो सबसे पहले ये आईपीएल 2008 में पहले ही मैच में इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए 158 रन बनाए और जो कि अगले 8 सालों तक ये बेस्ट रिकॉर्ड रहा है, सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड रहा है। साथ ही साथ पहले टीम इन्होंने केकेआर के लिए खेला, इसके बाद ये गए कोची टस्कर्स, केरला की जो टीम थी वहां से खेला, इसके बाद इन्होंने खेला चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से, फिर गुजरात लायंस की ओर से खेला और आखिरी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से खेला। यानी आप समझ सकते हैं 5 टीमों से ही खेल चुके हैं, लेकिन कहीं भी अभी तक अपनी परफेक्ट जगह नहीं बना पाए हैं, परफेक्ट स्थान नहीं बना पाए हैं। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि इनका फॉर्म लगातार अच्छा नहीं रहा है और विस्फोटक बल्ले वाले तो सभी टीम इन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। तो अगर हम देखते हैं कि कौन सी टीम इन पर बिड करने वाली है, तो सबसे पहली टीम है वो है किंग्स इलेवन पंजाब। दोस्तों, किंग्स इलेवन पंजाब को एक विस्फोटक ओपनर की जरूरत है। ब्रैंडन मैकुलम मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, खेलते हैं और अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो ऐसे में किंग्स इलेवन पंजाब को इनकी जरूरत है और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इन पर बिड करने वाली है, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा बचा हुआ है प्लेयर्स खरीदने के लिए और इनको ओपनर बैट्समैन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इनको एक एक्सपीरियंस्ड कप्तान भी मिलने वाला है। तो ऐसे में किंग्स इलेवन पंजाब इनके पीछे जाने वाली है। वही नंबर 2 की टीम है वह कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स को भी इनकी जरूरत है। कोलकाता नाइट राइडर्स में अगर ये जाते हैं तो अभी आप देखते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड को जो भी इन्होंने रिटेन करके रखा है, तो यहाँ पर ओनली 3 ओवरसीज प्लेयर्स है, जिनमें है क्रिस लिंट और आंद्रे रसल और सुनील नारायण। तो ये 3 प्लेयर्स यहाँ पर बचे हुए हैं, तो अब 5 ओवरसीज प्लेयर्स इन्हें खरीदना है, तो उनमें से ये एक अच्छे पिक हो सकते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। वहीं अगली टीम की बात करते हैं, वह मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस में ओपनिंग जोड़ी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, जिससे भी ओपनिंग कराई जाती है, एविन लुइस, जिससे भी ओपनिंग कराई जाती है अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए तो मुंबई इंडियंस के लिए ये एक और अच्छी बात होगी। साथ ही साथ ब्रैंडन मैकुलम और भी अच्छी ओपनिंग यहां पर दे सकते हैं और मुंबई इंडियंस इन पर पीछे जरूर भागना चाहेगी। तो दोस्तों, ये तो रही वो 3 बड़ी टीम जहां पर मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स इलेवन पंजाब और ब्रैंडन मैकुलम को ये खरीदने वाले हैं। आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से इनका प्राइस क्या रहने वाला है? मेरी माने तो इनका प्राइस आप 6-7 करोड़ में कोई भी टीम इन्हें ले सकती है और ये उस हिसाब से क्लियर है। टीम की बात की जाए तो तीनों ही टीम इन्हें 6-7 करोड़ रुपए दे सकती है एज अ ओपनर बैट्समैन, विस्फोटक बैट्समैन और एक्सपीरियंस्ड कैप्टन के रूप में। ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो ऐसे में इनकी कीमत 6-7 करोड़ रहने वाली है आईपीएल 2019 के ऑक्शन के दौरान। आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से कौन सी टीम इन पर पैसा लगाने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।